लेके जा रहा हूँ भाई यहाँ से। तो मैंने कहा था ना आपको कि आज मैं आपको नैनीताल का माल लोड दिखाऊंगा। और तो दोनों भाई यहाँ पे हम जो है जॉगिंग कर रहे हो पब्लिक। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पांडे ब्लॉग्स में फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों आपका। वाह, आप देख रहे हैं मैं इस समय कहाँ पर, देखो हम दोनों, हम इस समय नैनीताल और मैं आ चुका था इस समय अपने कमरे में और अब जा रहे हैं दोबारा हम नैनीताल। शाम के 7:30 बज चुके हैं, अंधेरा होने वाला है और आज हमने पूरा नैनीताल को कवर करना है रात को। अब देखते हैं कितने बजे तक वहाँ पर माल लोड वगैरह वगैरह आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल हम 7 नंबर में हैं इस समय, रामलीला मैदान यानी कि नैनीताल में सबसे हाईएस्ट ऊपर हूँ। और कैसे होते हैं नैनीताल के घर वो भी आपको मैं दिखा। ये वाला तो जैसे कि आप देख रहे हैं सभी लोग इस समय वॉकिंग कर रहे हैं और शाम के समय, और इस समय यहाँ पर ना बहुत ठंड लग रही है। यहाँ पर देखो देवदार के वृक्ष देख रहे हैं नीचे को आप, और नीचे है तो देखो ताल है नीचे, बहुत कितनी चढ़ाई है यार, देखो ऊपर डाउन है नीचे को, इस समय बहुत ही डाउन है नीचे को और ऊपर को आते समय चढ़ाई है। कैसे यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं लोग भाई साहब, इनके बस की बात है हमारी बस की बात नहीं है, हमारी तो हालत ख़राब हो गई यहाँ पर। ऐसे जगहों पर देखो रोड बने हुए हैं और घर बने हुए हैं, बिल्डिंग भी बने हुए हैं यार, इतने कंजेस्टेड जगह पर ना बिल्डिंग बना रखे लोगों ने, क्या बताऊँ यार मैं आपको, देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है, ये तो अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग है भाई। और ये देखो नीचे को डाउन, ओए होए भाई आराम से है, बहुत ही डाउन है देखो, बहुत डाउन है यार, बगल में होटल है और नीचे को डाउन और ऊपर को भैसा फर्स्ट गियर पर लानी पड़ती गाड़ी की। आप देखो कितना बढ़िया सुंदर यहाँ पर नैनीताल ताल दिखाई दे रहा है भाई साहब, देखो मज़ा आ गया। सामने नंदा देवी टेम्पल आपको उधर दिखाई देगा वहाँ पे, तो चलते हैं हम आगे, चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको नज़ारा। फर्स्ट क्लास, तो हमारे भाई साहब भी घूम रहे हैं, देखो हम भी घूम रहे हैं बाइक में ऊपर माल रोड चलाएंगे ना, ऊपर चलाएंगे तो ठंड लगेगी, ऊपर माल रोड बाइक, ये है पूरा माल रोड जैसे कि आप देख रहे हो। ऊपर देखो कितने बड़े बड़े होटल हैं और रेस्टोरेंट हैं, घर भी हैं ऊपर, आप ये आपको दिखाते चलता हूँ। देखो जो रेस्टोरेंट आपको दिल्ली के अंदर मिलेगा वो यहाँ पे आपको उसका ब्रांच जरूर मिलेगा आपको, चाहे क्लासिक हो, चाहे अशोका हो, चाहे उदय हो, चाहे कोई भी हो, मनु महारानी होटल वो भी आपको यहाँ मिलेगा, जिसमें राइस खन्ना की जो फिल्म बनी थी कटी पतंग वो मनु महारानी में थी। देख रहे कितने बड़े बड़े रिसोर्ट है देखो क्लासिक। तो भाई ये है नैनीताल बैंक, तो दिल्ली के अंदर जो ब्रांच है नैनीताल बैंक का, उसका हेड ऑफिस नैनीताल बैंक वो यहाँ पर है जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरा HDFC बैंक, देखो मैपल रेजिडेंसी, फिर उषा हिल टॉप हाउस ऑफ कैंडी, तो ऊपर ही है सारा जो है घूमने लायक। और देख रहे भीड़ कितना, भीड़ बहुत ही शानदार। और इस समय का साथ ही हाथ मिलाना है कितना यहाँ रुपया, ये देखिए सुंदर दृश्य आप वहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा दृश्य आप देखिए। बलवंत जी आप करते क्या कहते कि काफ़ी दिल्ली दरबार मैन तो असली तो है ना शान ही पे नैनीताल का घूमने का। और जोड़ा देखो कैसे हाथ में हाथ रखे जा रहे हैं देखो, तो अगर आप भी ऐसे हैं कपल तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पे। क्यों जी माल लोड की भीड़ है इस समय और हमें जो है इस समय क्या कहते हैं वो नहीं मिल रहा, पार्किंग नहीं मिल रही यहाँ पे, नो एंट्री, यहाँ पे एंट्री नहीं है, आगे चलो। बहुत ही शानदार, बढ़िया जोरदार माल रोड के पास काफ़ी भीड़ है अभी भी रात को, क्योंकि यहाँ पर रात को ही मज़ा आता है, तो इसलिए यहाँ पर रात को लोग सब निकलते हैं, दिन में थोड़ा सा धूप होती है
वैसे देखा नैनीताल में धूप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सुबह शाम ठंड है यहाँ पे, और अभी भी यहाँ पर ठंड, अभी रात को देखना बहुत टेम्परेचर हाई हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन हम ढूंढ रहे हैं पार्किंग, कि हमें पार्किंग मिल जाए कहीं भी, तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से हम थोड़ा सा आपको पैदल दिखाएंगे पूरा। भाई भैया पार्किंग है तो कहीं, पार्किंग नीचे नीचे हो गया, नीचे ये कार की, उसके बाद आगे हाँ वहीं पर सोचा था। कितना ऊपर नीचे आना है यार, इस्लाम इंफॉर्मेशन सेंटर, तो यहाँ पर मस्जिद भी है भैया नैनीताल के अंदर, सभी लोग जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पे इस समय, और बहुत ही सुंदर जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा, तो मस्जिद भी यहाँ पर है, मैंने कब से यहाँ बना हुआ है ये, और वो भी बीच चौराहे पे है यार, मेन चौराहे पे भैया है ना, ऐसे पढ़ते हैं नमाज अंदर देखो यहाँ पर, बहुत ही शानदार, बहुत बड़ी बिल्डिंग है भाई साहब, बहुत ही शानदार यार है ना। और नीचे है रामला ग्राउंड है, कौन से ग्राउंड है यहाँ पे, काफ़ी रफ, इधर बढ़िया है पार्किंग, पार्किंग पार्किंग यहाँ पर पार्क की अपनी बाइक। तो यार गाइस हम जो सोच रहे थे कि नैनीताल मार्केट कोई छोटी सी, बहुत बड़ी मार्केट है भाई यहाँ तो, बहुत बड़ी मार्केट है ना, अब नहीं समझ आएंगे नैनीताल की, तली ताल को जाना हमको, एक मिनट पूछते हैं यहाँ पे और आपको दिखाते हैं थोड़ा मार्केट। तो ये है जी बड़ी मार्केट, देख रहे हैं नैनीताल का सीन, और इधर को भी मंडी है और इधर को भी है, तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं, चलो जी। तो ये है जी बड़ा बाजार नैनीताल का, बहुत बड़ा रस है यार, बहुत ज़्यादा रस। तो मैंने कहा था ना आपको कि आज मैं आपको नैनीताल का माल रोड दिखाऊंगा, और देखिए यहाँ कितना भीड़ होती है, तो रस देखो यहाँ पे। हेलो बलवंत जी, तो हमारे बलवंत जी भी देखो यार क्या मजेदार घूम रहे हैं आप फर्स्ट क्लास। तो ये है जी नई टी शर्ट ले ली भाई मैंने, यही भाई ने बोला था ना कि तू टी शर्ट लेगा, तो मैं कह लूंगा कोट लूंगा, तो मैंने टी शर्ट ले ली यहाँ से भाई, कोट लो। अब मैं थोड़ा आपको यहाँ की बातें बताता हूँ, एक्चुअली में हम यहाँ इस समय माल रोड में है, और रात के समय ठीक 8 बज रहे हैं, और मजा आ रहा है इस समय। अब ये रोड जो है ना बंद है, और उधर की रोड चालू है, तो रात को ये रोड खुल जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर ना टूरिस्टों का तो घूमने फिरने की जगह बना रखी है, जैसे कि आप देख लो हल्का फुल्का ट्रैफिक इसमें आ ही रहे हैं, फिर भी देखो आप। तो भाई साहब बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा दोस्त कहाँ गया, मैंने किसी दूसरे के ऊपर कंधे में हाथ डाल दिया यार, तुम भी मजे ले रहे हैं हम यहाँ पर। लेकिन भाई साहब यहाँ पर ना रेस्टोरेंट बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे, और कुछ खाते हैं देखते हैं क्या क्या खाते हैं, पहले आगे नहीं चलते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे बताएंगे अभी। आप कहाँ जाएंगे भाई, अरे जाएंगे। एक स्पेशल जगह जा रहे हैं, एक बार देखो शाम 8:30 का रात का सीन है माल रोड का, वाह देख लीजिए आप कितना शानदार दृश्य है। और मेरे कैमरे है ना, मोबाइल के कैमरे जो ना खराब भी हो गया, टूट गया है, और फिर भी ऐसा दृश्य आ रहा है, लेकिन अच्छा नहीं आ रहा, बहुत शानदार यार। रात का घूमने का कुछ मजा ही कुछ और है भाई यहाँ पर, यहाँ पर साइकिल मिलती है किराए पे, डबल साइकिल जो है 200 रुपये, आधे घंटे किराया है यहाँ का, अभी मैंने पता किया, पर रात हो गई मैंने कहा क्या चलाना है यार, ये जमा करो वो जमा करो 200 रुपये की खाली। तो यह फिलहाल माल रोड का दृश्य, समय तो हवा चल रही बड़ी जोरदार, पर भाई लोग आप जहाँ से भी देख रहे हो ना बहुत गर्मी हो रही होगी यहाँ पे है ना, यहाँ देखो कितने पीछे देखो पेड़ हिल रहे हैं, हवा आ रही है, हमारे बलवंत जी को देखो भाई नैनीताल में आए हैं तो कैमरा बंद करने का मना नहीं कर रहा, तो अभी थोड़ा सा कुछ आगे आए तो यहाँ का भी दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा आगे वाला तो कैमरा ना खराब हो गया, तो पीछे वाला दृश्य आप जरूर देखो आप आगे। तो भाई देख रहे हैं इस समय हम माल रोड पर खड़े हैं, और दिल्ली दरबार डिलक्स फैमिली रेस्टोरेंट एंड जॉबी किचन, वाह देखो कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर स्वाद लेने के लिए आ रखे हैं, और बैठे हुए हैं जॉबी किचन में, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो यही है मज़ा नैनीताल में आने का, जैसे कि आप दृश्य देख रहे हैं पूरा सामने नज़ारा देखो, गजब यार गजब। रात के समय 9 बज रहे हैं और अभी भी यहाँ है, ये करीब रात के 11, 12, 1, 2 बजे तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। तो दिल्ली में हो रही गर्मी बहुत, तो गर्मी की वजह से सभी लोग जो है इधर पहाड़ों की तरफ आए हुए हैं, और सभी व्यस्त हैं और खुश हैं, क्योंकि मौसम देख रहे हैं कितना खुशनुमा मौसम है,
हवा चल रही है ठंडी ठंडी, रात को यहाँ पर बहुत ठंडा भी है। तो रात के ठीक 8:30 बज चुके हैं और जैसे कि नज़ारा देख रहे हैं इस समय, और ये दृश्य आपको रात को 12-1-2 बजे तक देखने को मिलेगा। बहुत ही गजब का सीन है, बहुत ही आपको कुछ यादें लेके जा रहा हूँ भाई यहाँ से, क्योंकि ये दृश्य फिर दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, न जाने कब फिर नैनीताल आएंगे। और तो मैंने कहा नैनीताल आ रखे हैं तो आपको आज ही दिखा देते हैं पूरा सीना। होटल अलका और ये होटल एवरेस्ट, क्या खूबसूरत और कितने बड़े बड़े होटल हैं यार। बच्चों के खिलौने अपने हाथों से सिया गया, यह बड़ा बाजार। यहाँ से आ गए हम बाहर, पूरा माल लोड और नैनीताल का मजा ले रहे हैं हम ही लोग यहाँ पे। देख रहे हो पब्लिक, हाय हाय पब्लिक यहाँ पे देखो एक से। और ठीक उस तरफ जो है एकदम झील है, और अभी रात के समय झील में बोटिंग से बंद हो चुकी है, इस समय लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं और एंजॉय ले रहे हैं यहाँ पर हवा का, ठंड का और मज़ा भाई साहब। दिन में हल्का सा धूप पड़ रही है, लेकिन यहाँ इतनी गर्मी नहीं हो रही है। जहाँ हम गए थे आज नौकजेताल वगैरह वगैरह, वहाँ काफ़ी दिन में गर्मी थी, लेकिन नैनीताल में नहीं है। और यहाँ पर लोग जो है ना सड़कों पर जो है रात में आते हैं देखो पीछे, और देखो। तो गई रात के बच्चे के 9 और हमारे साथ हो गया था एक लोचा बलवंत भाई का, हेलमेट यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया था लॉक, बिना लॉक करे हुए। तो वहाँ से करीब हम अभी मार्केट में 1.5 घंटा घूम के आए, तो हमको हेलमेट सुरक्षित ऐसे के ऐसे ही है वो मिल गया। तो अच्छा है कहीं पर पहाड़ में, उसे एक बात देखा जाए ना उत्तराखंड में कहीं पर भी चोरी नहीं होती है, तो हमको सुरक्षित जो है मिल चुका है हेलमेट और बहुत बढ़िया। तो आज की वीडियो आप यहीं पर समाप्त करते हैं, अब फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।